तो जो स्कॉलरशिप अमाउंट 7,000 यूरो ऐसे मिलता है, इसके अलावा और कुछ बेनिफिट, फॉर एग्जांपल हमारे मिलान में क्या होता है, मेंसा रहता है, तो उनको 5 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को और कुछ जैसे फूड कूपन मिलान की तरह से, मतलब डेली का 5 यूरो या कोई इस तरीके से फूड अलाउंस नहीं होता। मेंसा हमारे जो EDSU की हम रेजिडेंसेज होती हैं उसमें भी एक मेंसा होता है, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेंसा होता है जो भी EDSU की यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें ये होता है कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको एक फुल मील मिल जाता है जो कि है 2.5 यूरोस पर मील। ब्रेकफास्ट भी मिलता है? ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, ये मैं श्योर नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट में लंच डिनर जी, उसमें आप टेक अवे भी कर सकते हैं और डाइन इन भी कर सकते हैं वहीं पे। 2.5 यूरोस में अनलिमिटेड रहता है? अनलिमिटेड नहीं होता, आपको सर्टेन क्वांटिटी मिलती है, लेकिन वो गुड इनफ होती है कि आपको एक कंप्लीट मील होता है। ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं ना कि मतलब आप कंपलसरी आपको वहीं पे खाना है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप अगर यूनिवर्सिटी में आप क्लास लेने जिस दिन आए हुए हो तो उस दिन आप, हम लोग प्रेफर करते हैं कि मेंसा खा लें, मेंसा चले जाएं, और वैसे अगर हम घर पे होते हैं तो घर पे हम बर्गर बुक कर लेते हैं। स्पेशली एक और बात है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं। बिल्कुल, तो अगर कोई वेजिटेरियंस है तो आराम से उसको खाना मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। हमारा खुद भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे जो मीट वाले वो हैं वो अक्सर हलाल नहीं होते, क्योंकि चिकन भी अगर है तो वो जब तक हलाल ना हो वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम। तो वो लिमिटेशन है, तो वो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि मेंसा में वो जो लोग सर्व आपको कर रहे होते हैं ना, वो खुद भी बता देते हैं कि अगर पोर्क है किसी चीज़ में इस तरीके से। अच्छा।